नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह किसी भी चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर या अपनी ईमेल के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। मेरे बहुत से पाठकों ने मुझसे कई बार सवाल पूछे कि सर हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें हमारे मोबाइल पर नहीं मिलता। तो अपने आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इसी समस्या से जुड़ी बातें बताने वाला हूँ कि हमें किसी के वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस पर ऐसी छोटी मोटी समस्या से जुड़े वीडियो अपलोड करता रहूंगा। मोबाइल एप्लीकेशन के काफी सारे वीडियो जो अभी पेंडिंग पड़े हैं वो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप अपने फेवरेट YouTube चैनल के नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर या पीसी पर पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। उस सेटिंग के करने के बाद ही आप जब उस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसकी सूचना ईमेल के द्वारा या फिर आपके YouTube चैनल पर ही मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अभी आप देखिए ये चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इस चैनल को मैंने दूसरी ईमेल आईडी के द्वारा ओपन किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको इस रेड कलर में दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक मैसेज आएगा, मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देखिए ये रेड निशान यहाँ से गायब हो गया है और इसके आगे की घंटी जैसा एक आइकन आ गया है। कुछ लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन इस वाले आइकन को ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, बल्कि इस पर क्लिक करने के बाद ही आप अपने फेवरेट फेवरेट चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हो, अपने पीसी पर प्राप्त कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके आगे इस घंटी वाला आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसपे लिखा है सेंड मी और नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको आपकी ईमेल के द्वारा या आपके यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। और इसी के नीचे आप देखिए मैनेज सेटिंग का एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये सारी की सारी सेटिंग्स मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इस पर लिखा है सेंड मी ईमेल अबाउट माय यूट्यूब एक्टिविटी, यानी जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा उसकी आपको एक ईमेल भी प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको केवल आपके यूट्यूब पर इसकी वीडियो दिखाई दे तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बैक चल के हम उसी घंटी वाले आइकन पे दोबारा चलते हैं। हम यहाँ से बैक हो गए, ये मेरे सामने वही ऑप्शन आ गया, मैं दोबारा से इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी। अब मैं इसको सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ये देखिए इस घंटी का आइकन चेंज हो गया है। अब इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी जानकारी आपको आपके यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर ही मिल जाया करेगी। अगर हमें यही सेटिंग्स अपने मोबाइल के द्वारा करनी है तो चलिए अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं कि हम मोबाइल के द्वारा इस सेटिंग्स को कैसे करते हैं। यह है, मैंने अपना मोबाइल ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें यूट्यूब को ऑन करता हूँ। YouTube ऑन होने के बाद में आपको जिस भी चैनल को सब्सक्राइब करना है आप उसको ओपन करें। जैसे मैं ऊपर अपना ही चैनल सर्च कर रहा हूँ, मेरा चैनल सर्च होने के बाद मेरे सामने मेरी फोटो आ जाएगी। यह मैंने इसको ओपन कर दिया। अभी ये देखिए ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है क्योंकि इस पे रेड निशान है।
अब मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा तो उसका रेड निशान गायब हो जाएगा। अब मैं इसको सब्सक्राइब पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही आगे एक घंटी का आइकन मेरे सामने आ गया है। मैं घंटी वाले आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। आइकन पे क्लिक करते ही एक सेटिंग वाला ऑप्शन मेरे सामने आएगा। मैं इस सेटिंग को ओपन करता हूँ। यह आपकी मोबाइल की वो सेटिंग्स है जिसके द्वारा आप अपनी मर्जी के हिसाब से नोटिफिकेशन की सेटिंग्स कर सकते हो। अब मैं बैक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से घंटी वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। मेरे सामने इसको डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसे क्लिक करके इसे डिसेबल कर सकता हूँ। मैं दोबारा से इस घंटी वाले आइकन पे फिर से क्लिक करता हूँ और इसे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग फिर दोबारा से ऑन हो जाएगी। आप इस तरह बहुत ही आराम से अपने मोबाइल पर भी किसी भी चैनल की नोटिफिकेशन को इसी तरह ऑन कर सकते हो, इसी तरह ऑफ कर सकते हो। उम्मीद है मेरा ये वीडियो देखकर आपको YouTube की नोटिफिकेशन सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस सेटिंग्स को समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा इस सेटिंग्स को करने में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग YouTube की इस चैटिंग को समझ सकें और अपने पसंद के किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई नई जानकारियों के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अभी आपके लिए बहुत से ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिसका आपको बहुत फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और जुड़े रहें मेरे साथ।